एनआरसी का मुद्दा उठाएगी टीएमसी, तो टीएमसी ने दोनों सदनों में नोटिस दिया है। तो आपको बता दें कि कल गृहमंत्री अमित शाह की तरफ से एनआरसी पर बड़ा ऐलान किया गया था कि पूरे देश में एनआरसी लागू की जाएगी, और अब टीएमसी इस मुद्दे को दोनों सदनों में उठाएगी और नोटिस यहां पर भेजा गया है। तो टीएमसी ने दोनों सदनों में नोटिस भेजा है, बंगाल में नहीं लागू होने देंगे एनआरसी। ममता बनर्जी का यह कहना, तो अमित शाह ने देश में एनआरसी लागू करने की बात कही है, और ऐसे में अब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी एक बार फिर से उनके विरोधी स्वर तेज हो गए, और दोनों सदनों में ये स्वर टीएमसी की तरफ से सुनाई दे सकते हैं। तो इसको लेकर दोनों सदनों में नोटिस टीएमसी ने दिया है, तो एनआरसी पर चर्चा हो सकती है, बंगाल में नहीं लागू होने देंगे एनआरसी। तो आपको बता दें कि गृहमंत्री अमित शाह ने कल बड़ा ऐलान करते हुए शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन एनआरसी पर कहा कि पूरे देश में एनआरसी को लागू किया जाएगा और इससे किसी भी धर्म के लोगों को डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि धर्म के आधार पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, धर्म के आधार पर एनआरसी में भेदभाव किए जाने की आशंकाओं को खारिज करते हुए अमित शाह ने कहा था कि एनआरसी के आधार पर नागरिकता की पहचान सुनिश्चित की जाएगी और इसे पूरे देश में लागू करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि किसी धर्म विशेष के लोगों को इसकी वजह से डरने की जरूरत नहीं है। महोदय, जो एनआरसी आसाम के अंदर एनआरसी की प्रक्रिया हाथ में ली गई, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत और एक अलग एक्ट के तहत ली गई है। एनआरसी की प्रक्रिया देश भर में होगी, उस वक्त आसाम के अंदर भी ये एनआरसी की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से फिर से की जाएगी। और इसमें मैंने फिर से स्पष्ट कर देता हूं कि किसी भी धर्म के लोगों को कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोगों को एनआरसी के अंदर समाहित करने की व्यवस्था है ही है, और जिस गैजेट नोटिफिकेशन का उल्लेख माननीय सदस्य ने कहा वो पूरे देश भर के अंदर एप्लीकेबल। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दृष्टि पूरे देश के विकास के को देखकर होती है, और ये बात सही है कि घुसपैठ अभिशाप है भारतवर्ष के लिए, और जो हमारे यहाँ के मूल नागरिकों का अधिकार से वंचित करते हैं, तो ऐसे समय में उनका ये वक्तव्य मैं समझता हूँ कि दूरगामी है, और निश्चित रूप में भविष्य में इसके अर्थ निकाले जाएंगे। एक भी इल्लीगल तरीके से कोई विदेशी नागरिक भारत में रहता है तो वो देश की एकता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए यदि इस बात की पहचान की जाती है कि कितने यहाँ पर इल्लीगल तरीके से अवैध रूप से विदेशी नागरिक आकर के बसे हुए हैं और उनको बाहर निकाला जाता है, तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, हम सब भारतीयों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको किसी भी तरह से राजनीतिक आईने से नहीं देखना चाहिए। एनआरसी जो है वो किसी धर्म के खिलाफ, किसी क्षेत्र के खिलाफ या किसी राज्य के खिलाफ नहीं है। एनआरसी शुद्ध रूप से बहुत पारदर्शी तरीके से उन लोगों के लिए है, उन अवैध घुसपैठियों के लिए है जो वर्षों से यहाँ पर यहाँ के नागरिकों के अधिकारों को छीन रहे हैं, तमाम तरह की संदेहास्पद गतिविधियों में भी बहुत से शामिल होते हैं। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि एनआरसी एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। गृहमंत्री अमित शाह जी ने बहुत साफ कहा, इसमें किसी को भी भय और भ्रम का भूत जो लोग खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उस भय और भ्रम के भूत को खुद जनता भगा देगी।